गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू फार्माकोलॉजी क्लास इन विच टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दैट इज़ ड्रग्स अफेक्टिंग द कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। देखिए हमारा जो है दो सिस्टम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को एक तो सिस्टम पढ़ा दिया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा चैप्टर था रीनल फार्माकोलॉजी, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें अपन ने डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स पढ़े हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना ड्रग्स अफेक्टिंग द कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, जिसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आएंगी, एंटी एंजाइनल ड्रग्स आएंगी, एंटी एरिदमिक ड्रग्स आएंगी, हाइपोलिपिड ड्रग्स आएंगी। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, पर वो ज़्यादा आपके पूछनी जाती हैं, तो अपन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं होती हैं, हमारे पास लिमिटेड क्लासेस ही होती हैं कोर्स करने के लिए। तो ये चार टॉपिक्स इसके अंदर अपने को पढ़ने हैं, और जो हम आज इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अपन पढ़ें उससे पहले हाइपरटेंशन पढ़ लेते हैं। हाइपरटेंशन क्या चीज़ है? इट इज़ अ कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अफेक्टिंग वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। अ परसिस्टेंट एंड सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन द हार्ट, ब्रेन, किडनीज एंड आईज। हाइपरटेंशन कुड बी क्लासिफाइड ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी इज़ ऑल्सो नोन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, देयर इज नो स्पेसिफिक अंडरलाइंग कॉज। वाइल सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैन बी ड्यू टू रीनल, वेस्कुलर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स एट्सेट्रा। तो देखिए हाइपरटेंशन जो है उसकी स्पेसिफिक कॉज जो है वो केवल 10-15% पेशेंट्स के अंदर ही देखने को मिल रहा होता है। वो पेशेंट्स जिनमें कोई स्पेसिफिक कॉज हाइपरटेंशन के नहीं देखने को मिलते हैं, उसी को अपन एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि दो तरह के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी को अपन एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो जिस हाइपरटेंशन का कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता उसको अपन एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन कह देते हैं। और पेशेंट जिनके साथ कोई स्पेसिफिक इटियोलॉजी या कॉज जुड़ा हुआ है हाइपरटेंशन के साथ, उसको अपन सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इस हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, रीनल, वेस्कुलर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल एंड डाइटरी फैक्टर्स, ये हाइपरटेंशन के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हेरिटेबिलिटी ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 30%। 30% लोगों के अंदर यह हाइपरटेंशन हेरिडिटरी भी होता है। क्लासिफिकेशन करें अगर हाइपरटेंशन का ब्लड प्रेशर के बेसिस पर, तो देखिए अगर बीपी, पहले बीपी को अपन देख लेते हैं, फिर हाइपरटेंशन को एक बार देखेंगे बाद में। थोड़ा सा बीपी के बारे में देखिए, मैं ब्लड प्रेशर को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर SBP, DPP और PP के साथ में अपन पढ़ रहे होते हैं। SBP सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। इट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वाइल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ द मिनिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एंड पल्स प्रेशर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज़ PP इज इक्वल्स टू SBP माइनस DBP। अब एडल्ट्स के अंदर अगर हम ब्लड प्रेशर को देखें, क्लासिफाई करें, तो देखिए नॉर्मल बीपी हम तब कहते हैं जब वो 120 से 80 के रेंज में देखने को मिलता है, 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 से बिलो देखने को मिले। प्री हाइपरटेंशन जब सिस्टोलिक 120 से 139 हो और डायस्टोलिक 80 से 89 हो। हाइपरटेंशन जब सिस्टोलिक 140 से 159 हो और डायस्टोलिक 90 से 99 हो। ये स्टेज वन को एक्चुअली इंडिकेट करता है, जबकि स्टेज टू में 160 से अबव हो सिस्टोलिक और 100 से अबव हो डायस्टोलिक। तो ये स्टेज टू का हाइपरटेंशन, तो स्टेज वन हाइपरटेंशन एंड स्टेज टू हाइपरटेंशन, इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। अब नॉर्मल रेगुलेशन ब्लड प्रेशर कैसे किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक इक्वेशन, आर्टरियल ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ब्लड फ्लो। जो कार्डिक आउटपुट है
यानी जो ब्लड फ्लो हो रहा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड द रेजिस्टेंस टू पैसेज ऑफ द ब्लड थ्रू प्री कैपिलरी आर्टेरियल्स। और जो प्री कैपिलरी आर्टेरियल्स है उससे इसका रेजिस्टेंस देखा जाता है। प्री कैपिलरी आर्टेरियल्स में पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे होते हैं यानी PVR। तो BP इज इक्वल्स टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। इस तरह से जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली रेगुलेट होता है। अब ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय, कैसे मेंटेन्ड रह रहा है भाई ब्लड प्रेशर? मूवमेंट टू मूवमेंट रेगुलेशन ऑफ कार्डिक आउटपुट एंड पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि वेस्कुलर रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने कहा ना कार्डिक आउटपुट और PVR के थ्रू ये रेगुलेट हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो है इसके मूवमेंट टू मूवमेंट रेगुलेट किया जाता है 3 एनाटॉमिक साइट्स के ऊपर, आर्टेरियल्स, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स और हार्ट के ऊपर। इसके अलावा किडनी के अंदर, किडनी इसमें रोल प्ले कर रही होती है मेंटेनेंस में। बैरो रिफ्लेक्सेस जिसको ऑटोनॉमिक नर्व्स मीडिएट कर रही होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्व्स के अंदर ह्यूमोरल मैकेनिज्म और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम दोनों मिलकर के इसको, इसके कॉम्बिनेशन से जो रिफ्लेक्स है वो बैरो रिफ्लेक्स कहरा रहा होता है। इसके अलावा जो वैसोएक्टिक सबस्टांसेस लोकल रिलीज होते हैं वो भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। ये वही चीज़ बताई हुई है कि कैसे ये हार्ट वेन्यूल्स और किडनी जो है वो वेसल्स, हार्ट वेसल्स और किडनी किस तरह से रेगुलेट कर रही हैं ब्लड प्रेशर को। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो ये ड्रग्स में ACE इनहिबिटर्स आते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आते हैं या ब्लॉकर्स कह सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, डायुरेटिक्स आते हैं और सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स आते हैं और वैसोडाइलेटर्स आते हैं। 6 कैटेगरी में ये क्लासिफाई की गई हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायुरेटिक्स, सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स एंड वैसोडाइलेटर्स। इनमें सबसे पहले डायुरेटिक्स हम देखें, क्योंकि अपन ये चैप्टर पढ़ चुके हैं डायुरेटिक्स का। तो डायुरेटिक्स में थायाजिड्स एंड रिलेटेड एजेंट्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथायाजिड, क्लोरोथैलिडोन और इंडापामाइड आते हैं। हाई सीलिंग ड्रग्स के अंदर, हाई सीलिंग जिसको अपन लूप डायुरेटिक्स कहते हैं, उसमें फ्यूरसेमाइड, टॉर्सेमाइड, इथाक्राइनिक एसिड आता है। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक्स के अंदर स्पायरोनोलैक्टोन और अमाइलोराइड, इसके अलावा ट्राइमेट्रिन भी इसके अंदर आती है। तो ये तो तीनों कैटेगरी हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ ली है। आप वापस से उस क्लास को देख लीजिए, अगर आपको याद नहीं है याद कर लीजिए डायुरेटिक्स को। दूसरी आती है ACE इनहिबिटर्स, जिसके अंदर कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल, प्रिडनिडोप्रिल, रैमिप्रिल, फोसिनोप्रिल एट्सेट्रा, ये मेडिसिन्स आ रही हैं। एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स जिसको अपन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, इसके अंदर लॉसार्टन, कैंडिसार्टन, इरबास्टन, वेलसार्टन और टेलमिसार्टन ड्रग्स आती हैं। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में एलिसकायरिन, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के अंदर प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एंटीनोलॉल, ये ड्रग्स आती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर आती हैं वेरापामिल, डेल्टायाजैम, निफिडिपिन, फिलोडिपिन, एमलोडिपिन, नाइट्रेनडिपिन, लेसिडिपिन एट्सेट्रा। बीटा प्लस अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स में लेबिटालॉल, क्रेविडिलॉल, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स में आती हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, फिनोटोलामिन, फिनोक्सी बेंजामिन, ये ड्रग्स आती हैं अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के अंदर। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स में क्लोनिडिन, मिथाइलडोपा आती हैं। वैसोडाइलेटर्स में आर्टियोरल में देखेंगे तो हाइड्रोलाजिन, मिनोक्सिडिल और डाइजॉक्साइड, जबकि आर्टियोरल और वेनस दोनों में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आती है। अदर्स में एडिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर जैसे कि रिजरपाइन और ग्यूनाइथिडिन, ग्वानिथिडिन एट्सेट्रा ड्रग्स आती हैं। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के अंदर पेंटोलिनियम नाम की ड्रग आती है, पेंटोलिनियम।
ये सारी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। अब हम थोड़ा ये देख लें कि साइट ऑफ एक्शन ऑफ द मेजर क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कैसे एक्ट करती हैं। तो देखिए, सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक ब्लॉकर्स, ये जो अपन ने नाम लिए थे वहाँ वहाँ पर ये अपना असर दिखाएंगी। अपन ने क्या क्या नाम लिए थे, सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स, ब्लड वेसल्स में एक्ट कर रही थी अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स थे, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायूरेटिक ब्लॉकर्स ड्रग्स आ रही थी। तो देखो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा दूँ। वैसोमोटर सेंटर पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट कर रही होती हैं, मिथाइल डोपा, क्लोनेडिन, गुआनाबेंज, गुआनफेसाइन, सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स पे गुआनिथिडिन, गुआनाड्रिल, रिजरपाइन। अब ये आगे जाकर के सिंपैथेटिक गैंग्लिया के ऊपर एक्ट कर रही हैं, जैसे ट्राईमेथाफेन, बीटा रिसेप्टर्स जो हार्ट पे पाए जाते हैं उस पर प्रोपेनोलॉल और अदर ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स काम कर रही होती हैं। ब्लड वेसल्स पे देखिए, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ऑफ वेसल्स भी हैं, अल्फा रिसेप्टर ऑफ वेसल्स भी हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स भी हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स जो हैं उस पर लोसार्टन और दूसरी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आती हैं, जबकि अल्फा रिसेप्टर्स जो हैं वेसल्स के उस पर प्राजोसिन और अदर अल्फा वन ब्लॉकर्स हैं। वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे हाइड्रोलाजिन, मिनोक्सिडिल, नाइट्रोप्रोसाइड, डायजोक्साइड, वेरापामिल और दूसरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि फिनॉल डोपाम, ये इसमें आ रहे होते हैं। किडनी ट्यूबल्स में थायाजिड आती है। बीटा रिसेप्टर्स जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जिससे कि रेन रिलीज होता है उसमें प्रोपेनोलॉल और अदर बीटा ब्लॉकर्स आ रही होती हैं। अब देखिए ये एक्ट कैसे कर रही हैं, एंजियोटेंसिन जो है वो रेनिन से एंजियोटेंसिन वन रिलीज होता है, एलिस्काइरन इसके ऊपर एक्ट करता है। एंजियोटेंसिन वन से एंजियोटेंसिन सेकंड रिलीज होता है तो उसमें कैप्टोप्रिल और दूसरे एस इनहिबिटर्स होते हैं जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिक एंजाइम जो है वो हट जाएगा, तो एंजियोटेंसिन वन को टेंसिन सेकंड में वो रिलीज नहीं होने देगा। तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो इनका चल रहा होता है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया उसमें किस तरह से ये फंक्शन कर रहे हैं, एस इनहिबिटर्स का रोल भी मैंने आपको इस लास्ट वाली स्लाइड में बताया है, ये जो स्लाइड में लास्ट जो रिएक्शन दी हुई है, और एलिस्काइरन का भी एक्शन दिखाया जो कि रेनिन के ऊपर अपना नेगेटिव एक्शन दिखा रही होती है। डायरेटिक बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो किडनी में होते हैं उसकी वजह से ये रेनिन जो है वो रिलीज हो रहा होता है, ये चीज़ ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले जो हमने बोली डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के अंदर थायाजिड डायूरेटिक्स आती है। थायाजिड डायूरेटिक्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथायाजिड, क्लोरोथैलिडोन, ये क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर देती हैं इनिशियली, तो क्योंकि ये सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ा देती हैं जिससे एक बार तो बीपी कम हो जाएगा। फिर थायाजिड डायूरेटिक्स जो है वो हाइपोकैलीमिया को, हाइपर यूरेसीमिया को इंड्यूस कर देंगी टू अ लेसर एक्सटेंट, हाइपरग्लाइसीमिया इन सम पेशेंट्स। तो कुछ एक में तो हाइपोकैलीमिया और हाइपर यूरिसीमिया और कुछ पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया ये डायरेटिक्स कॉज कर देती है, और ये वाली चीज़ें हमने अपनी लास्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ी हैं अच्छे से। देखिए बच्चों, एक चीज़ तो आपको ना मेडिसिन के नाम जो है वो तो रट्टा ही मारना है, सीधी सी चीज़ है। मैकेनिज्म हमारे को थोड़ी बहुत समझनी होती है, मैकेनिज्म समझने की है, बाकी आपको मेडिसिन के नाम जो काफ़ी डिफिकल्ट से होते हैं वो आपको रट्टा मारने एग्ज़ाम के लिए भी और अपने आगे के लिए भी, क्योंकि हमें मेडिसिन पता होनी चाहिए कौन कौन सी मेडिसिन क्या क्या वर्क कर रही है। अब थायज़र डायरेटिक्स में हमने क्या बताया, एक तो सोडियम वाटर के रिटेंशन को ये कम कर देती है, ब्लड वॉल्यूम को कम कर देती है, कार्डिक आउटपुट को कम कर देती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देती है जिससे कि फाइनली बीपी जो है वो लो हो जाएगा, हाई बीपी में अगर हम ये ड्रग्स देते हैं तो। डायूरेटिक्स के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा, थायाजिड के बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा डायूरेटिक्स में लूप डायूरेटिक्स भी आते हैं। देखो थायाजिड जो था वो तो मोस्ट वाइडली यूज ड्रग्स फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन, अनकॉम्प्लिकेटेड में अपन यही देते हैं। क्लोरोथायाजिड, हाइड्रोक्लोरोथायाजिड और क्लोरोथैलिडोन जो है वो कॉमनली यूज थायाजिड्स हैं, ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनका होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो अभी हमने पढ़ा था।
जैसे कि थायाजिड जो है सोडियम और वाटर रिटेंशन को प्रमोट करता है, कार्डिक आउटपुट को कम करता है, बीपी को कम करता है और पीवीआर को कम करता है क्रॉनिक थेरेपी में। पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में हमने पढ़ा हाइपोकैलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, इम्पोटेंस और डिक्रीज लिबिडो, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अभी नहीं पढ़ाया। अब लूप डायुरेटिक्स देखिए, लूप डायुरेटिक्स हैव शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, देयरफॉर दे आर नॉट प्रेफर्ड इन अनकॉम्प्लिकेटेड प्राइमरी हाइपरटेंशन, दे आर यूज्ड इन हाइपरटेंशन विद को एग्जिस्टिंग रीनल फेलियर और CCF एंड इन हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज। कोई हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज होती हैं या किसी को हाइपरटेंशन के साथ में रीनल फेलियर हुआ हुआ है या हाइपरटेंशन के साथ में कंजेसिव कार्डियक फेलियर हुआ है तो ही हम ये लूप डायुरेटिक्स यूरेटिक्स जो हैं वो देते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड प्राइमरी हाइपरटेंशन में हम लूप डायुरेटिक्स नहीं देते। ये इनहिबिटर्स हैं एपिथेलियल सोडियम ट्रांसपोर्ट के लेट डिस्टल और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, फ्यूरोसेमाइड और एथाक्राइनिक एसिड जो है वो हम दे रहे होते हैं इस काम के लिए। ये क्या करती हैं, एंटागोनाइज कर देती है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को, जैसे कि स्पाइनोलैक्टोन और एप्लेरानोन, और ये पोटेशियम लॉस को भी रिड्यूस कर देती है यूरिन के अंदर। तो ये इसके अलग अलग फंक्शंस हैं कि एपिथेलियल सोडियम ट्रांसपोर्ट को डिस्टल और कंडक्टिव डक्ट के अंदर कम कर देती है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देती हैं और यूरिन में पोटेशियम लॉस को कम कर देती है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस जो है उसका एडिशनल बेनिफिट्स है कि कार्डियक रीमॉडलिंग को भी डिमिनिश करता है जो हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा होता है। हार्ट फेलियर से होने वाला कार्डियक रीमॉडलिंग को ये डिमिनिश करता है, ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस का फ़ायदा होता है। लूप डायुरेटिक्स जो हैं वो प्रॉम्प्टली एक्ट करते हैं सोडियम और क्लोराइड रीअब्सॉर्प्शन को किडनी में ब्लॉक करके, इन दोनों का रीअब्सॉर्प्शन ये ब्लॉक कर देंगे। यहाँ तक कि उन पेशेंट्स में भी जिनमें पुअर रीनल फंक्शन चल रहा है, तो पहले एक तो रीनल फंक्शन पुअर है और ऊपर से ये और सोडियम और क्लोराइड का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होने देते, या फिर उनमें जिनमें कि थायाजिड डायुरेटिक्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो लूप डायुरेटिक्स की वजह से रीनल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। दूसरी पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक्स का भी नाम मैंने आपके सामने लिया, जिसमें स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरोनोन नाम की ड्रग्स आती हैं। ये कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज करती हैं, या तो ये एल्डोस्टेरोन के साथ में कम्पीट करेगी या फिर डायरेक्टली ये एपिथीलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। जैसे कि अमिलोराइड नाम की जो ड्रग है वो एपिथीलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है डायरेक्ट। इस तरह से ये पोटेशियम स्पेयरिंग का काम कर रही होती है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक्स जो हैं कौन कौन सी है, स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरानोन और इसके अलावा अमिलोराइड, कलरफुल इसीलिए मैंने नाम लिखे हैं ताकि आप दवाइयों का नाम पहचान सकें। अब इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है एस इनहिबिटर्स। देखिए, एस इनहिबिटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज द फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। फर्स्ट लाइन के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं ये। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है एस इनहिबिटर का, दे इनहिबिट द जनरेशन ऑफ एंजियोटॉन्सिन सेकंड रिजल्टिंग इन डायलेशन ऑफ आर्टेरियल्स लीडिंग टू डिक्रीज इन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। पीवीआर को कम कर देते हैं क्योंकि आर्टेरियल्स को डायलेट कर रहे हैं, और एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन को भी ये कम करते हैं। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम वाटर रिटेंशन कम हो जाता है, इसलिए एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन को भी ये कम कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो एस इनहिबिटर्स में ये जो डायग्राम दिखाया गया है वो डायग्राम इंडिकेट कर रहा है रेनिन इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स को, कि ये कैसे ब्लॉक कर रहे हैं। एंजियोटेंसिन प्लाज्मा अल्फा टू ग्लोब्यूलिन, एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन थर्ड के अंदर कन्वर्ट होता है, थर्ड से फोर्थ बनता है, फोर्थ से इनएक्टिव फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो ये अलग अलग इनहिबिटर्स ये अलग अलग जगहों पर अपना एक्शन दिखाते हैं और इस ये जो पूरा सिस्टम है उसको चलने नहीं दे रहे होते हैं। जैसे रेनिन इनहिबिटर्स रेनिन रोक देगा जिससे कि एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एस इनहिबिटर वन को टू में कन्वर्ट नहीं होने देता क्योंकि कन्वर्टिंग एंजाइम जो काइनेज सेकंड है वैस्कुलर एंडोथेलियम में उसको रोक देता है। एंजियोटेंसिन ब्लॉकर जो है अमाइनोपेप्टाइड डे जो कि सेकंड को थर्ड में कन्वर्ट करता है ये उसको रोक रहा है सीधा।
रेनिन जो है वो लो मैक्यूलेट डेंस सोडियम और क्लोराइड है। NaCl का लॉस हो रहा होता है जिससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, BP कम हो जाता है, रीनल इस्चीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड मैक्यूला जो है वो लो होएगा, लो ग्लोमेरुलर एफरेंट प्रेशर देखने को मिलेगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसके बाद अगर वेंजोटेनिन सेकंड का असर क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, सोडियम वाटर का रिटेंशन करवाता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन करता है। सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर ये रेनिन वाला असर देखने को मिलेगा, और एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन बढ़ेगा तो सोडियम वाटर का रिटेंशन बढ़ेगा और सोडियम वाटर वापस ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से BP जो है वो बढ़ जाता है, राइज हो जाता है। तो ये किस किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं वो इस चार्ट के अंदर दिखाया गया है। अब ACE इनहिबिटर्स के बारे में हमने क्या बोला कि ये रिकमेंड करते हैं हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन पेशेंट्स विद अ वैरायटी ऑफ कंपेलिंग इंडिकेशंस। भैया सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन का ACE इनहिबिटर्स ही है, जिसमें हाई कोरोनरी डिजीज रिस्क या किसी के अंदर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री चल रही है उनके अंदर ACE इनहिबिटर्स जो है वो दिए जा रहे होते हैं या रिकमेंड किए जा रहे होते हैं। ACE इनहिबिटर्स जो हैं वो ब्रैडीकाइनिन का ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि एक पेप्टाइड है जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्लड वेसल के द्वारा इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है इस पेप्टाइड का। दोनों नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो पोटेंट वैसोडाइलेटर्स हैं, तो ये वैसो डायलेटर्स का काम कर रहे होते हैं, तो ये ब्रैडीकाइनिन को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ACE इनहिबिटर्स। देखिए अब इसके बारे में तो हम क्या कह रहे हैं, क्या बताना एक्चुअली चाह रहे हैं हम इसके अंदर कि कैसे ये एक्ट कर रहा है। तो ब्लड वेसल्स पर प्रोस्टासाइक्लिन वगैरह का एक्ट था, ये दीज एक्शंस कंट्रीब्यूट टू देयर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट, दे ऑल्सो प्रिवेंट और रिवर्स वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी दिखाते हैं और ये वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को रिवर्स भी कर देते हैं। वेंट्रिकल में अगर हाइपरट्रॉफी हो गई तो उसको रिवर्स करने का काम भी यही करेंगे ACE इनहिबिटर्स ही। ACE इनहिबिटर्स जो है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड को डिक्रीज कर देता है, ब्रैडीकाइनिन के लेवल को इनक्रीज कर देता है। वैसोडाइलेशन की वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि वैसो डायलेशन हो रहा है इस ACE इनहिबिटर से, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाएगा जिससे कि एंजियोटेंसिन सेकंड का लेवल जो है वो कम हो जाता है और वैसो डायलेशन इससे बढ़ जाएगा और ब्रैडीकाइनिन का ये इफेक्ट होता है कि ब्रैडीकाइनिन की वजह से वैसो डायलेशन फ्रॉम द इंक्रीज ब्रैडीकाइनिन बड़ा होने की वजह से वैसो डायलेशन का एनहांस हो रहा था, तो ये इस तरह से एक्ट जो है वो ACE इनहिबिटर्स कर रहे होते हैं। या फिर ये सर्कुलेटिंग एंजियोटेंसिन लेवल को कम कर देता है। ACE इनहिबिटर्स एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को भी कम करता है, जिससे कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन कम हो जाता है। ACE इनहिबिटर्स जो है वो कार्डियक प्रीलोड को कम करता है, आफ्टरलोड को कम करता है, और जिससे कि कार्डियक वर्क भी कम हो जाएगा। तो यही इसके फंक्शंस हैं, कैसे कैसे ये किस किस तरीके से रोल कर रहा है, वैसो डायलेशन कर रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कम कर रहा है, एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को कम करता है जिससे कि सोडियम वाटर का रिटेंशन कम हो जाता है, कार्डियक वर्क कम हो जाता है, क्योंकि ये प्री लोड और आफ्टर लोड को कम कर देते हैं ACE इनहिबिटर्स। ये सारे ACE इनहिबिटर्स दिखाए गए हैं, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल, प्रेनिडोप्रिल और रैमेप्रिल। इनके क्या क्या केमिकल नेचर है, कैसी एक्टिव स्टेट है भाई ये, जैसे कैप्टोप्रिल एक्टिव है जबकि इनालाप्रिल प्रो ड्रग है, और लिसिनोप्रिल भी एक्टिव है और उसके अलावा सबके सब प्रो ड्रग्स हैं। बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा कैप्टोप्रिल की होती है 70%, उसके बाद होती है रैमेप्रिल की 60%, फिर एनालाप्रिल की 50, प्रिडनोप्रिल जो है वो 30 से 50 होती है, फिर फोसिनोप्रिल की 30 और लिसिनोप्रिल की सबसे कम अवेलेबिलिटी 25% होती है। तो इस तरह से डोज वाइज सब इसके अंदर बताया गया है किस किस में कितनी डोज कितनी mg में देनी है, 25 से 150 देनी है, ड्यूरेशन ऑफ 6 से 12 घंटे असर दिखा रहा है, कैसे निकलता है रीनल से, सारी की सारी मोस्टली ड्रग्स निकलती है, सिर्फ फोसिनोप्रिल जो है वो रीनल और हिपैटिक दोनों से निकलती हैं। हाफ लाइफ जो है किसी का 2 घंटे, किसी का 11, 12, 12 से 25 से 30 घंटे, 8 से 48 घंटे, अलग अलग इनका एलिमिनेशन हाफ लाइफ टाइम होता है।
एस इनहिबिटर्स के अपन एडवर्स इफेक्ट देखें, उससे पहले थोड़ा सा इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लीजिए कि जितने भी एस इनहिबिटर्स होते हैं वो प्रो ड्रग्स हैं सिवाय कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल के। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये दोनों तो जो हैं वो एक्टिव स्टेज हैं और बाकी सारी सारी प्रो ड्रग्स हैं। ये यूजुअली ओरली दिए जाते हैं एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के अंदर इनैलाप्रिलेट जो कि एक एक्टिव ड्रग है उसको अपन इंट्रावीनसली इंजेक्ट करवाएंगे तो ये लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती है और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अब एडवर्स इफेक्ट देखिए भाई क्या क्या कॉज कर देता है। इसके एडवर्स इफेक्ट में कफ, स्पेशल ड्राई कफ, एंजियोएडिमा, प्रोटीनूरिया, टेस्ट ऑल्टरेशन, टेराटोजेनिक इफेक्ट, सीवियर हाइपोटेंशन, न्यूट्रोपिनिया, रैशेस, इचिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, हाइपरकैलेमिया जैसे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल ऑफ ऑल एस इनहिबिटर्स इज सिमिलर, लगभग सबके एक जैसे एडवर्स इफेक्ट हैं। जैसे कैप्टोप्रिल थोड़ी सी ज़्यादा टॉलरेट होती है अधिकतर पेशेंट्स के अंदर, स्पेशली जो डेली डोज ली जा रही होती है वो 150 mg से कम दी जाती है। अब एडवर्स में ये हाइपोटेंशन कॉज कर देता है, इनिशियल शार्प फॉल आता है बीपी के अंदर, स्पेशली डायरेटिक ट्रीटेड जो होते हैं या कंजेसिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, तो जैसे बीपी एकदम से कम होगा तो हाइपोटेंशन हो जाता है। इसके अलावा हाइपरकैलेमिया ये कॉज कर देता है, तो कैलेमिया तो अपन जब से पढ़ रहे हैं कि हाइपरकैलेमिया उन पेशेंट्स में जो कि एस इनहिबिटर्स ले रहे हैं। हाइपरकैलेमिया जो है रीनल इनसफिशेंसी के प्रेजेंस में भी देखने को मिलता है, या फिर और व्हेन दे आर कंबाइंड विद पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, या फिर अपन इसको एस इनहिबिटर को जब पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक के साथ में मिलाकर के दे रहे हैं तो हाइपरकैलेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मैंने कहा कफ, कफ में भी ड्राई कफ होता है जिसमें आपको इंट्रैक्टेबल कफ जो है वो दिखाई देगा अगर आप ड्रग को स्टॉप, जैसे आपको कफ दिखाई दे रहा है तो आपको ड्रग को स्टॉप कर देना है उस पर्सन के अंदर। अगर ड्राई कफ प्रोड्यूस हो रहा है तो आप उसको लगातार नहीं देंगे वो दवाई। इसके अलावा रैशेस और अर्टिकेरिया भी ये कॉज कर देता है। एंजियोएडिमा ये कॉज कर देता है, एंजियोएडिमा में क्या है नोज़, लिप्स, माउथ, थ्रॉट, लैरिंग्स और ग्लॉटिस के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। और जिन पेशेंट्स का एयरवे जो है, पेशेंट्स एयरवे शुड बी प्रोटेक्टेड, भाई एयरवे हमने कहा कि ब्लॉक हो गया जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आवश्यकता पड़े तो एड्रिनालिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंटीहिस्टामिन हमारे को देने पड़े तो आपको देना है अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है एंजियोएडिमा की वजह से, तो आपको ऐसे पेशेंट को उसी समय एड्रिनालिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या एंटीहिस्टामिनिक्स जो है वो देनी चाहिए। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा डिसजुइसिया और पैराजुइसिया ये कॉज कर देता है, फीटोपैथिक है। फीटोपैथिक क्या होता है भाई, टीराटोजेनिक इफेक्ट को फीटोपैथिक कहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, नियोनेटल डेथ हो जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। टीराटोजेनेसिस वो ड्रग्स हैं, टीराटोजेनिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती हैं क्योंकि वो बच्चे की फीटस की ग्रोथ को रिटार्ड कर देती है, नियोनेटल में डेथ कॉज कर सकती है। इसके अलावा ग्रेन्यूलो साइटोपिनिया और प्रोटीनूरिया भी ये कॉज कर देता है, ग्रेन्यूलोसाइट्स का नंबर कम हो जाएगा, प्रोटीन यूरिन के अंदर दिखाई देने लग जाएगा, एक्यूट रीनल फेलियर भी ये कॉज कर देता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया भाई रैशेज, इचिंग हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, टेस्ट ऑल्टरेशन जैसे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, सीवियर हाइपोटेंशन कॉज हो जाता है। अब एस इनहिबिटर्स के एडवांटेजेस देखिए भाई कि हम फिर देख क्यों रहे, जब इतने इनके नुकसान है तो फिर कोई ना कोई तो एडवांटेज भी होगा ना। और एक चीज़ और बता दूं कि जो हमने कहा एडवर्स इफेक्ट एस इनहिबिटर्स के होते हैं उनमें जो कैप्टोप्रिल है उसके अपने को मोस्टली ये एस इनहिबिटर कैप्टोप्रिल ऐसी है जिसके एडवर्स इफेक्ट मेनोमोनिक देखने को मिल रहे होते हैं या निमोनिक जो एडवर्स इफेक्ट है वो देखने को मिल रहे होते हैं कैप्टोप्रिल के। अब देखिए एडवांटेज, फ्री ऑफ पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन को ठीक कर देता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस को ठीक कर देता है, वीकनेस की फीलिंग, सीएनएस इफेक्ट की फीलिंग को ये ठीक कर देता है।
ये इसके फ़ायदे हैं। सेफ्टी मतलब इससे पोस्चुरल हाइपोटेंशन एक्चुअली नहीं होगा कॉज, अगर आप ये दे रहे होते हैं ये ठीक तो खैर हाइपरटेंशन हो करता है, क्योंकि अपन तो हाइपरटेंशन पड़ रहा है ना, तो हाइपरटेंशन को कम करने का मतलब ये नहीं है कि ये हाइपोटेंशन कॉज कर देगा, नहीं ऐसा नहीं करता है ना, कोई इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस ये कॉज करता है, ना वीकनेस फील हो रही होती है, ना सीनस पे इसका कोई इफेक्ट हो रहा होता है। हाइपरटेंशन में एस इनिबिटर्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस के इंसिडेंस को कम कर देते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर। एस इनिबिटर्स जो हैं सभी तरह के हाइपरटेंशन में दिए जा सकते हैं। इसके अलावा एस्थमेटिक पेशेंट्स में आपको सेफ्टी दे रहा है, डायबिटिक्स पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज पेशेंट्स के अंदर सेफ्टी है इसके लिए। लॉन्ग टर्म एस इनिबिटर थेरेपी जो है वो हैज़ अ पोटेंशियल टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। अगर आप ये लगातार दे रहे हैं थेरेपी तो टाइप 2 डायबिटीज़ के पोटेंशियल रिस्क वो कम हो जाते हैं, और नो रिबाउंड हाइपरटेंशन ऑन विथड्रॉल। अगर हम ये छोड़ भी देंगे तो वापस से हाइपरटेंशन कॉज होने का कोई खास खतरा इसके अंदर नहीं रह रहा होता। नेक्स्ट, कोई हाइपर यूरिसीमिया इसकी वजह से नहीं होता, कोई डेलीरियस इफेक्ट प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल पर इसका नहीं पड़ता है। एस इनिबिटर मोस्टली इफेक्टिव ड्रग्स, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स हैं सडन कार्डियक डेथ को रोकने के लिए पोस्ट इन्फार्क्शन पेशेंट में, किसी में इन्फार्क्शन हुआ, इन्फार्क्शन क्या कहते हैं, नेक्रोटिक एरिया को कहते हैं, तो पोस्ट इन्फार्क्शन से अगर सडन कार्डियक डेथ होने का डर रहे तो इसको रोकने के लिए अपन एस इनिबिटर्स देते हैं। हालांकि ये लेस इफेक्टिव है एमआई के प्राइमरी प्रोफाइल एक्सेस में, ये कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के प्रोफाइल एक्सेस के रूप में ज़्यादा अच्छा असर नहीं दिखा रहा होता, या फिर लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी को प्रिवेंट करने में भी कोई खास इसका रोल नहीं होता, पर ये बहुत अच्छी ड्रग है कार्डियक सडन कार्डियक डेथ से बचाने के लिए। इसके बाद हाइपरटेंशन, तो एस इनिबिटर्स फर्स्ट लाइन ड्रग्स है सभी ग्रेड्स के हाइपरटेंशन के लिए, मैं बता चुकी हूँ लाइन आपको, पर जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं आजकल हैव नाउ सरपास देम इन पॉपुलैरिटी। आजकल ज़्यादा पॉपुलर जो है वो ARBs हो रहे हैं, एस इनिबिटर्स में सबसे ज़्यादा ARBs जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन रिस्पॉन्स जो मोनोथेरेपी को दे रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं एस इनिबिटर्स के साथ में, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द रेस्ट टू देयर कॉम्बिनेशन विद डायरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स, इनमें अधिकतर अपन डायरेटिक्स या बीटा ब्लॉकर्स के साथ में कॉम्बिनेशन में अपन ये ड्रग देना पसंद कर रहे होते हैं या देनी चाहिए। दूसरा रोल है इसका कंजेसिव हार्ट फेलियर में, अपन थेरापेटिक यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली। अब जो है यूजेज ऑफ एस इनहिबिटर्स नाम का टॉपिक स्टार्ट हुआ, यूजेज मतलब थेरापेटिक यूज ऑफ एस इनहिबिटर्स, तो थेरापेटिक यूज में अपन हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, कंजेसिव कार्डियक फेलियर में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में अपन एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं। चार कैटेगरी हैं, हाइपरटेंशन, कंजेसिव कार्डियक फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। हाइपरटेंशन में मैंने बता दिया भाई एस इनहिबिटर्स जो हैं वो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस के इंसिडेंस को कम कर देते हैं। कंजेसिव कार्डियक फेलियर के अंदर देखिए एस इनहिबिटर्स जो है वो आर्टेरियल और वीनोडाइलेशन जो CHF के पेशेंट्स में देखा जाता है वो दोनों कॉज हो जाते हैं। एस इनहिबिटर्स कॉज बोथ आर्टेरियल और वीनोडाइलेटेशन इन CHF पेशेंट्स, रिड्यूस आफ्टर लोड एज वेल एज प्रीलोड, प्रीलोड को भी कम करता है, आफ्टर लोड को भी कम करता है, और CHF पेशेंट्स के अंदर वीनोडाइलेशन और आर्टेरियल डाइलेशन को कॉज कर देता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर एस इनहिबिटर्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, स्पेशली अर्ली और लॉन्ग टर्म मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए अपन काम में ले रहे होते हैं। तो लॉन्ग टर्म एस इनहिबिटर्स थेरेपी जो है वो बार बार होने वाले MI को कम कर देती है। नेक्स्ट, प्रोफाइल एक्सेस इन हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क सब्जेक्ट्स, तो एस इनहिबिटर्स जो हैं वो हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क सब्जेक्ट्स में प्रोटेक्टिव होते हैं इवन व्हेन देयर इज नो एसोसिएटेड हाइपरटेंशन, कोई हाइपरटेंशन उसको नहीं है, केवल हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, तो उससे बचाने के लिए अपन एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन भी जैसी कोई चीज़ नहीं है तो भी अपन ये ड्रग दे सकते हैं, है नहीं है तो भी दे सकते हैं। एस इनहिबिटर्स जो है वो एंडोथेलियल फंक्शन को भी इम्प्रूव कर देती है वेसल में। डायबिटिक नेफ्रोपैथी मैंने आपको बताया कि एस इनहिबिटर्स जो है वो काफ़ी प्रेफर की जाने वाली है एंटी हाइपरटेंसिव है डायबिटीज़ के अंदर, क्योंकि ये डिले कर देती है या रोक देती है प्रोग्रेसिव रीनल कॉम्प्लिकेशन को, कि डायबिटीज़ की वजह से रीनल कॉम्प्लिकेशन का जो रिस्क है वो रोक देगी या कम कर देगी ये एस इनहिबिटर्स। अगर अपन
हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के साथ में ये चाहते हैं कि रिनल कॉम्प्लिकेशन भी ना होए, तो एस इनहिबिटर्स काफ़ी अच्छी दवाई मानी जाती है। तो प्रोलॉन्ग्ड एस इनहिबिटर थेरेपी जो है वो प्रिवेंट या डिले कर रही है एंड स्टेज रिनल डिजीज़ को टाइप वन और टाइप सेकेंड डायबिटिक्स के अंदर। नॉन डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है, एस इनहिबिटर्स जो है वो प्रोटीन यूरिया को कम कर देती है क्योंकि ये प्रेशर ग्रेडियंट को कम करती है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अक्रॉस, साथ में ये मेम्ब्रेन की परमियबिलिटी को भी बदल देती है। तो इसने प्रोटीन यूरिया को कम कर दिया क्योंकि मेम्ब्रेन की परमियबिलिटी ऑल्टर्ड हो गई, तो प्रोटीन बाहर नहीं निकल पाएगा, प्रोटीन यूरिया से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट, स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस अगर किसी के अंदर हो गया हो जिसमें बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है और रीनल फंक्शन जो है वो बिगड़ जाता है। स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस में क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से। एस इनहिबिटर जो है इसमें इम्प्रूवमेंट देता है और लाइफ सेविंग करता है इन खतरनाक कंडीशंस में, जान बचाने का काम आ रहा होता है ये एस इनहिबिटर्स। अब एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट जिसको अपन ARBs कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, जिसमें लोसार्टन, कैंडिसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन नाम की ड्रग्स आती हैं। इसके अलावा ऑलमिसार्टन, एरबेसार्टन ड्रग्स भी इसी में पढ़ते हैं अपन। इनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है ARB से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स एकदम एस इनहिबिटर्स के जैसे ही हैं। ये भी आर्टेरियोलर और वीनस डायलेशन कॉज करते हैं, एल्डोस्टेरोन सीक्रीशन को ब्लॉक कर देते हैं, बीपी को लो कर देते हैं, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन को कम कर देते हैं। बिकॉज दे कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर्स ऑन ब्लड वेसल्स एंड प्रोड्यूस इफेक्ट सिमिलर टू दोज ऑफ एस इनहिबिटर्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं भाई, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स जो ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं उनको कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर देते हैं, तो इसलिए ये एस इनहिबिटर्स के जैसा ही असर अपना दिखा रहे होते हैं। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पर एंजियोटेंसिन सेकंड और ARBs में कंपटीशन चलता है। एंजियोटेंसिन सेकंड एगोनिस्ट है जबकि ARBs एंटागोनिस्ट है। ARBs ब्रेडिकिनिन के लेवल को नहीं बढ़ाता है, फर्स्ट लाइन एजेंट के रूप में हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के काम आ रहा होता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें विद अ कंपेलिंग इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज़, हार्ट फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ऐसे पेशेंट जिनमें इस तरह के इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं कि भाई डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, उनके अंदर ये फर्स्ट लाइन एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। सो दे आर यूज इन हाइपरटेंशन, कंजेसिव कार्डियक फेलियर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ARBs आर मेनली इंडिकेटेड इन पेशेंट्स हु डेवलप कफ विद एस इनहिबिटर्स। अगर किसी पर्सन को एस इनहिबिटर से कफ होता है तो फिर अपन उसको ARBs ही देते हैं, ये एस इनहिबिटर्स के जैसा ही काम कर रहा है। अब डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर ARBs तो हमने देखा, इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। ये एक सेलेक्टिव रेनिन इनहिबिटर जैसे कि एलिस्काइरन, ये डायरेक्टली रेनिन को इनहिबिट कर देता है जिससे कि 10x अर्लियर इन द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम देन एस इनहिबिटर्स और ARBs। एस इनहिबिटर्स और ARBs के कंपैरिजन में ये ज़्यादा जल्दी, एलिस्काइरन जो है वो ज़्यादा जल्दी फंक्शन कर रहा होता है, डायरेक्टली इनहिबिट कर देता है रेनिन को। हालांकि काम एस इनहिबिटर और ARBs भी यही कर रहे हैं, पर ये थोड़ा जल्दी करता है जिससे कि ये बीपी को लो कर देता है और अबाउट एज इफेक्टिवली एज ARBs, एस इनहिबिटर्स एंड थायासिट, उसी के जैसा इफेक्ट दिखा रहे ARBs के जैसा, एस इनहिबिटर्स जैसा और थायासिट जैसा। एलिस्काइरन जो है रूटीनली इसको कभी भी एस इनहिबिटर्स के साथ या ARBs के साथ में कंबाइन नहीं किया जाता। एलिस्काइरन की वजह से डायरिया कॉज हो जाता है स्पेशली हायर डोज देने के ऊपर। इसके अलावा ये कफ, एनजियो एंडीमा कॉज कर देता है और प्रोबेबली लेस ऑफन देन एस इनहिबिटर्स, पर एस इनहिबिटर से थोड़ा सा प्रोबेबली कम ही ये ऐसा काम कर रहा होता है। इसके बाद देखिए, एलिस्काइरन जो है वो प्रेगनेंसी में भी नहीं देना चाहिए बिकॉज दे मे कॉज द टेराटोजेनेसिस ऑन फीटस।
नेक्स्ट है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स. बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं. ज़्यादा कोई बीपी को लो करने में भी कोई खास इनका रोल नहीं हो रहा होता है. ये बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स किस में अपन पढ़ रहे हैं? सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स के अंदर आते हैं. तो सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स हमारे को देखना है, तो उसमें हम सिंपैथोलाइटिक में पहला बीटा एड्रिनर्जिक देख रहे हैं. बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स और उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं उसमें हमने बोला है बीपी को कोई खास नॉर्मोटेंसिव में कोई खास सिग्निफिकेंटली इसका रोल नहीं है. स्टेज वन के केसेस में हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को अपन 30-40% में देते हैं. बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स का यूज़ अकेले ही किया जाता है, किसी के साथ में नहीं करते. मेडिसिन अपन पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स दो तरह के होते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर्स. नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में क्या है, ये बीटा वन और बीटा टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जैसे प्रोपेनोलोल, टाइमोलोल. जबकि सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर्स में एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल, एस्मोलोल, एसीब्यूटोलोल नाम के ड्रग्स आती हैं. बीटा ब्लॉकर्स को हाइपरटेंशन में, एंजाइना में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, माइग्रेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. ये CCF और ब्रोंकोस्पाज्म को प्रेसिपिटेट कर देती है ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स के अंदर. अब इसमें जो पहली ड्रग है वो प्रोपेनोलोल हम देखते हैं. ये फर्स्ट बीटा ब्लॉकर है जो कि हाइपरटेंशन में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में भी ये इफ़ेक्टिव देखी गई है. प्रोपेनोलोल जो है वो लार्जली कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर से रिप्लेस होती है, जैसे मेटाप्रोलोल और एंटीनोलोल इसकी जगह अपन दे सकते हैं. ऑल बीटा एड्रिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो होते हैं वो बीपी को लो करने में काम आते हैं, चाहे माइल्ड हाइपरटेंशन हो चाहे मॉडरेट हाइपरटेंशन हो. पर सीवियर हाइपरटेंशन में बीटा ब्लॉकर स्पेशली यूजफुल है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया को रोकने के लिए. दैट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट विद डायरेक्ट वैसोडायलेटर. वैसोडायलेटर अगर अपन डायरेक्ट दे रहे हैं ट्रीटमेंट में तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो रहा होता है, जिसको आप टैकीकार्डिया कहते हैं, वो टैकीकार्डिया को रोकने का काम सीवियर हाइपरटेंशन में ये बीटा ब्लॉकर्स करते हैं. जो मैंने इसके प्रोपेनोलोल के जो मैंने रिप्लेसमेंट थेरेपी में मेटाप्रोलोल और एंटीनोलोल बताए थे, ये कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं. मोस्ट वाइडली यूज बीटा ब्लॉकर्स है जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में काम आते हैं. मेटाप्रोलोल एक एंटीनोलोल है. ये इनहिबिटिंग स्टिमुलेशन दिखाते हैं बीटा वन एड्रिनोसेप्टर्स के ऊपर, और मेटाप्रोलोल का सस्टेन रिलीज जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है हार्ट फेलियर से होने वाली मोर्टिलिटी को कम करने के लिए. पर्टिकुलरली ये हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को दिए जा रहे होते हैं, जबकि एंटीनोलोल जो है वो लेस इफ़ेक्टिव है मेटाप्रोलोल के कंपैरिजन में हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के अंदर. तो मेटाप्रोलोल तो उन पेशेंट्स को ज़्यादा दी जाती है जिनमें हाइपरटेंशन के साथ में हार्ट फेलियर हुआ है, तो हार्ट फेलियर की वजह से मृत्यु दर को कम करने में ये मेटाप्रोलोल काम आती है. एंटीनोलोल जो है वो मेटाप्रोलोल के कंपैरिजन में थोड़ी लेस इफेक्टिव है हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशंस में. दूसरी बीटा ब्लॉकर्स में नेडोलोल, कैरिटियोलोल, नॉन सेलेक्टिव बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बीटाक्सोलोल, बाइसोप्रोलोल और बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स आते हैं. पिंडोलोल, पेनब्यूटोलोल ये सब के सब पार्शल एगोनिस्ट हैं. पार्शल एगोनिस्ट मतलब बीटा ब्लॉकर्स हैं. कुछ इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी इनके अंदर पाई जा रही होती है. देखिए एगोनिस्ट, इंट्रिंसिक एक्टिविटी ये क्या चीज़ होती हैं मैं आपको बता दूँ. एक टर्म आती है एफिनिटी. ड्रग्स जब किसी रिसेप्टर पर बाइंड करने की एबिलिटी रखती है तो उसको अपन एफिनिटी कहते हैं. बाइंड करने के बाद जब वो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन दिखाने की एबिलिटी रखती है तो उसको अपन इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं. और जो ड्रग ऐसा इंट्रिंसिक एक्टिविटी रखती है उस ड्रग को अपन एगोनिस्ट कहते हैं, और उस ड्रग के अगेंस्ट में जो वर्क करता है वो एंटागोनिस्ट होता है. ये टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स जो फार्मेसी में हमारे को पता होनी चाहिए कि भाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है. इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, किसी ड्रग के फार्मेकोलॉजिकल एक्शन दिखाने की एबिलिटी रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद. ये ड्रग्स जो है पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होती है उन पेशेंट्स के लिए जिनको ब्रैडी एरिदमिया हुआ है या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हुई है. ब्रैडी एरिदमिया या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हुई है उनमें ये ड्रग्स काफ़ी काम आती है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स.
दूसरे ब्लॉकर्स के अंदर हमने नाम लिया ही था अभी। अरे ये सेम ही मेडिसिन जो है वो रिपीट हो गई है, चलिए खैर कोई बात नहीं। दूसरे में आ रही हैं लेबिटालॉल, प्राविडिलॉल, नेबिवोलॉल और दूसरी बीटा ब्लॉकिंग या वैसोडायलेटिंग इफेक्ट्स, जो अपने इनकी ये जो तीन नाम हमने लिए ना लेबिटालॉल, प्राविडिलॉल, नेबिवोलॉल, इनका क्या है कि ये दोनों बीटा ब्लॉकिंग और वैसोडायलेटिंग दोनों इफेक्ट अपने रख रही होती है, जबकि एस्मोलॉल बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर है जो कि रैपिडली आरबीसी में जो एस्ट्रेज है उसके हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ये तेजी से मेटाबोलाइज हो जाती है ड्रग एस्मोलॉल को, अपन इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए देते हैं। भाई ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद में जो हाइपरटेंशन हुआ उसको मैनेज किया जाता है। कई बार हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज में भी ये काम आ रही होती है, पर्टिकुलरली जब हाइपरटेंशन टैकाइकार्डिया से जुड़ा हुआ है या जब when there is concern about toxicity such as aggravation of severe heart failure, कि कभी हमें लग रहा हो कि भाई इसकी वजह से टॉक्सिटी हो जाएगी या सीवियर हार्ट फेलियर के रूप में ये बदल जाएगी, तब हम ये ड्रग जो है वो एस्मोलॉल देते हैं टैकीकार्डिया से जुड़े हुए हाइपरटेंशन के साथ में। जब टैकीकार्डिया जुड़ा है और वो ज़्यादा खतरनाक होने के चांसेस है तो अपन एस्मोलॉल देना पसंद करते हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स के बाद आएगी अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स आपकी कंप्लीट, नेक्स्ट है अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स जिसमें प्रेजोसिन आती है, टेराजोसिन आती है, डॉक्साजोसिन आती है, ये तीन दवाइयाँ आ रही हैं। प्रेजोसिन जो है अल्फा वन एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का प्रोटोटाइप है, जबकि टेराजोसिन और डॉक्साजोसिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग कंजिनर्स होते हैं प्रेजोसिन के। अल्फा ब्लॉकर जो है वो आर्टरियल प्रेशर को कम कर देता है क्योंकि ये डायलेट करता है रेजिस्टेंस और कैप्सिटेंस वेसल्स को, तो डायलेट करके ये आर्टरियल प्रेशर को कम कर देगा। दूसरी अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स में फिनटोलामिन ड्रग आती है, ये रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। दूसरी फिनोक्सीबेंजीन आती है जो कि नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स होती हैं। भाई फिनटोलामिन तो रिवर्सिबल है और फिनोक्सीबेंजामिन इरिवर्सिबल है। ये क्रोमोसाइटोमा को डायग्नोज और ट्रीट करने के काम आ रही होती है ड्रग। शायद मैंने आपको ये बीमारी पहले भी बताई थी अगर आपको याद है तो, और अगर नहीं याद है तो कृपा करके अपने पुराने नोट्स उठा करके पढ़ें कि वहाँ पर मैंने क्या बताया था इसके बारे में। वैसे तो मुझे आपकी एक एग्ज़ाम वाली क्लास लेनी चाहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग पिछली चीज़ें पढ़ रहे हैं या बस ऐसे ही टाइम पास ही आप लोगों का चल रहा है, तो मुझे एक क्लास लेनी चाहिए, आपका टेस्ट कंडक्ट करवा लेना चाहिए, है ना, जिससे मुझे पता रहे कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, कुछ परफॉर्मेंस है भी या फिर बस ठीक है ऐसे टाइम पास ही चल रहा है। तो ये थोड़ा सा आप देखें भाई, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं तो जो चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ उनको बार बार मुझे पढ़ाने का कोई खास शौक नहीं है क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट करते रहें। तो आप अपनी क्लासेस पुरानी देखते रहें, पढ़ते रहें, याद करते रहें। तो ये फियोक्रोमासाइटोमा को ट्रीट करने और उसको डायग्नोस करने के लिए ये अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो है वो काम आ रहे होते, जैसे फिनोटोलामिन और फिनोक्सीबेंजामिन। अब सेंट्रली एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग्स देखिए, जिसको अपन सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्लोनिडिन ड्रग सबसे मेन ड्रग है, इसके अलावा मिथाइल डोपा भी अपन पढ़ेंगे। क्लोनिडिन एक सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये ओरली काफ़ी इफेक्टिव है पर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट में मुंह सूखने लगता है, आंखें सूखने लगती है, नशा सा होने लगता है, नींद आने लगती है, डिप्रेशन हो जाता है, ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, इम्पोटेंस मेल के अंदर, नोजिया वगैरह देखने को मिलता है। और अगर आप इसका सडन स्टॉपेज कर दोगे क्लोनिडिन का प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के बाद में तो विड्रॉल सिंड्रोम हो जाएगा, पर्सन उसका आदि हो जाता है, तो सर दर्द, नर्वसनेस, टैकाइकार्डिया, स्वेटिंग, ट्रिमर, पाल्पिटेशन और रीबाउंड हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो क्लोनिडिन क्या है, एक्ट सेंट्रली एज एन अल्फा एगोनिस्ट के रूप में सेंट्रली एक्ट करती है और सिंपैथेटिक वैसोमोटर सेंटर्स को ये इनहिबिट
करने का काम कर रही होती है। ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो हो रहा है पेरिफेरी के अंदर उसको डिक्रीज कर देगी, जिससे कि दिस लीड्स टू रिड्यूस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ये कम करती है, ब्लड प्रेशर को भी ये कम करती है। एट प्रेजेंट इट इज ओकेजनली यूज इन कॉम्बिनेशन विद डायरेटिक, डायरेटिक साथ ओकेजनली इसको अपन ले रहे होते हैं। तो मैंने इसके बारे में बताया कि ये ड्रग जो है इसके एडवर्स इफेक्ट भी मैं आपको बोल करके बता चुकी हूँ। दिस इज यूजली ट्रीटेड विद इंट्रावीनस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अगर आपने को इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, पैल्पिटेशन, ट्रिमर, स्वेटिंग वगैरह, तो अपन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को IV देंगे तो वो जो विड्रॉल सिंड्रम है वो थोड़े से ठीक हो जाएंगे। क्लोनिडोन इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट विड्रॉल सिम्टम्स इन ओपियोइड एंड एल्कोहल एडिक्ट्स। जो नशे के आदि लोग हो चुके हैं उनको नशा छुड़ाने में अपन क्लोनिडिन का यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी ड्रग है मिथाइल डोपा। ये एक अल्फा टू एगोनिस्ट है जो कि मिथाइल नॉरेपी एपिनेफ्रिन को जो सेंट्रली है उसको ये कन्वर्ट कर देता है और एडिनर्जिक आउटफ्लो को CNS से डिमिनिश कर देता है। अल्फा टू एगोनिस्ट दैट इज कन्वर्टेड टू मिथाइल नॉर एपिनेफ्रिन को ये सेंट्रली कन्वर्ट कर रहा है। क्यों? टू डिमिनिश एडिनर्जिक आउटफ्लो फ्रॉम द CNS। मेनली प्रेगनेंसी में होने वाले हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये काफ़ी सेफ माना जा रहा होता है। अल्फा मिथाइल डोपा के बारे में मैंने क्या कहा, ये सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इसका किया जाता है। मिथाइल डोपा एक ऐसी दवाई है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में प्रिफर की जाती है। इसके एडवर्स इफेक्ट के रूप में नेजल स्टफीनेस हो जाता है, हेडेक हो जाता है, सेडेशन, मेंटल डिप्रेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ और ब्रैडीकार्डिया देखने को मिल रहा होता है। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपन देख लें। मिथाइल डोपा, अल्फा मिथाइल डोपा जो है वो एक्टिवेट होएगा तो मिथाइल नॉर एड्रिनालिन बनेगा जो कि मेड्यूला पर एक्ट करता है और सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम कर देता है, जिससे हार्ट रेट कम हो जाएगी, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और फाइनली BP जो है वो लो हो जाएगा, काफ़ी हद तक लो हो जाएगा। अब इसके बाद वैसोडायलेटर्स अपन देखें, हाइड्रोलाजिन, डाईहाइड्रोलाजिन, मिनोक्सिडिल, ये देखते हैं वैसोडायलेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैसोडायलेटर्स। वैसोडायलेटर्स में अपन आर्टेरियल डायलेटर्स पहले देखें, तो देखिए हाइड्रोलाजिन, डाईहाइड्रोलाजिन और मिनोक्सिडिल को हम कभी भी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने की प्राइमरी ड्रग नहीं मानते। ये वैसोडाइलेटर्स हैं विच एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग रिलैक्सेशन ऑफ वैस्कुलर स्मूद मसल। वैस्कुलर स्मूद मसल्स को ये रिलैक्स करके वैसोडाइलेशन का काम कर रहे होते हैं, प्राइमरली आर्टरीज और आर्टेरियल्स के अंदर। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिससे कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये दोनों एजेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्स स्टिम्यूलेशन प्रोड्यूस करते हैं हार्ट में, रिजल्टिंग इन कम्पीटिंग रिफ्लेक्सेस ऑफ इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हार्ट में रिफ्लेक्स स्टिम्यूलेशन को प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। हाइड्रोलाजिन जो है ये काफ़ी एक्सेप्ट की गई मेडिकेशन है BP को प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रोल करने में। प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन इंड्यूस हो जाता है तो उसमें ये BP को कंट्रोल करती है। दिस ड्रग इज़ यूज्ड टॉपिकली टू ट्रीट मेल पैटर्न बाल्डनेस। भाई पुरुषों में जो गंजापन देखा जा रहा होता है तो हाइड्रोलाजिन नाम की ड्रग जो है अगर उस एरिया में लगाई जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये उसको ट्रीट कर रही होती है। हालांकि वैसे तो मेल पैटर्न बाल्डनेस जेनेटिक्स होती है तो थोड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना, पर हाँ थोड़ा बहुत अपन कंट्रोल इसे कर सकते हैं। अब तो ये ड्रग्स तो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें हमने बताया कि जो ड्रग्स का हमने नाम लिया उसमें मिनोक्सिडिल ओरली इफ़ेक्टिव है, टॉपिकली सॉल्यूशन स्प्रे के रूप में भी अपन काम में ले सकते हैं,
हेयर ग्रोथ के लिए जो मैंने बताया भाई, उसमें हेयर ग्रोथ के सॉल्यूशन भी आते हैं, स्प्रे भी आ रहे होते हैं, डायोजॉक्साइड का इन्फ्यूज़न आईवी कर सकते हैं हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज को ट्रीट करने के लिए, हाइड्रोलाजन को ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में काफ़ी सेफ होती है ये ड्रग। साइड इफ़ेक्ट के रूप में वैसोडायलेटर का साइड इफ़ेक्ट टैकाइकार्डिया, पाल्पिटेशन, सोडियम और वाटर रिटेंशन देखा जाता है। नेक्स्ट ड्रग देखिए, हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो देखिए, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच से भी हो सकता है और ड्रग ट्रीटमेंट भी हो सकता है। थोड़ा सा और बाकी, आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज, हालांकि इट इज़ रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज बहुत कम देखी जाती है पर जानलेवा होती हैं, जिसमें सिस्टोलिक बीपी अगर 180 mmHg और डायस्टोलिक बीपी 120 mmHg से ज़्यादा हो जाता है विद एविडेंस ऑफ एम्पेंडिंग और प्रोग्रेसिव टारगेट ऑर्गन डैमेज। क्योंकि इतना बीपी जब बढ़ जाएगा तो टारगेट ऑर्गन का डैमेज हो जाएगा, स्ट्रोक, एमआई वगैरह देखने को मिलता है। तो बहुत तरह की मेडिकेशंस इसके लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें नाइकार्डिपिन और क्लेविडिपिन ड्रग आती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडायलेटर्स आते हैं, एडिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आते हैं, वैसोडायलेटर हाइड्रोलाजन आती हैं, डोपामिन एगोनिस्ट फिनालडोपाम आता है। दूसरा, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन दे सकते हैं। ये क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर दैट रिमेन्स एलिवेटेड डिस्पाइट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑप्टिमल थ्री ड्रग रेजिमेन दैट इंक्लूड्स अ डायरेटिक। थ्री ड्रग रेजिमेन देने के बावजूद भी जो है बीपी अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहलाता है। इसमें द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, ऐसा क्यों हो जाता है? पुअर कंप्लायंस की वजह से हो जाता है। इथेनॉल जो लोग ज़्यादा ले रहे होते हैं, अल्कोहल के आदि लोगों में, कॉन्कोमिटेंट कंडीशन जैसे डायबिटीज़ है उस पर्सन को, ओबेसिटी है, स्लिप एपनिया है, सोने के समय पर सांस की दिक्कत हो रही होती है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुआ पड़ा है, या वो कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशंस कुछ ले रहे हैं लाइक सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स, NSAID, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस, या फिर इनसफिशिएंट डोज उन्होंने ड्रग वगैरह कुछ ली है, तब भी ऐसा देखने को मिल रहा होता है कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन उनमें हो जाता है। बस ख़त्म इसके बाद। अब समरी क्या है? WHO, ISH और ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी की गाइडलाइंस के अंदर कुछ ये चीज़ें दी हुई है कि स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन को छोड़ करके हम ये ड्रग सिंगल स्टार्ट विद अ सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग के रूप में दे सकते हैं। खैर, वैसे ये वाली चीज़ें आपके लिए कुछ खास काम की नहीं है, आप इसे खुद से पढ़ लीजिएगा, बाकी एग्ज़ाम में ऐसा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। आपकी हाइपरटेंशन ड्रग्स जो हैं वो लगभग यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कॉन्कोमिटेंट डिजीज़ के अंदर कौन कौन से ड्रग्स अपन दे रहे होते हैं वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, चार्ट के फॉर्म में दी हुई हैं। इनके सीधे आपको नाम ही याद करने हैं भाई, हार्ट फेलियर में क्या दे रहे हैं, डायबिटीज़ में डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह, ACE इनहिबिटर्स, ARBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो ड्रग की क्लासेस दी गई हैं हाइपरटेंशन में, कैसे ये उसको ट्रीट करना है, उसको इंडिकेट किया गया है। अब कॉम्बिनेशंस कौन से हमें अवॉइड करने चाहिए, तो अल्फा और बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर को क्लोनिडिन के साथ में नहीं देना चाहिए, हाइड्रोलाजिन को आप DHP और प्रोजोसिन के साथ में नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा दे देते हैं तो हीमोडायनेमिक एक्शन ये दिखा देंगे। अल्फा और बीटा को क्लोनिडिन के साथ में देंगे तो ये एपरेंट एंटागोनिज्म है क्लोनिडिन के एक्शन के, ऐसा देखा गया है, तो ये आपको सीधा रट्टा मारना है। वेरापामिल और डेलेटाजेम जो है वो बीटा ब्लॉकर के साथ में नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये ब्रैडीकार्डिया और AV ब्लॉक कर देती हैं। मिथाइल डोपा को क्लोनिडिन के साथ में या एनी टू ड्रग्स के साथ में सेम क्लास में जो है अपन इसका ये कॉम्बिनेशन अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और प्रेगनेंसी का रोल इस स्लाइड के अंदर बताया गया है कि एंटी हाइपरटेंसिव जो कि प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देनी चाहिए या जो देनी चाहिए वो सीधा नाम आप याद करिए कौन सी देनी चाहिए, तो हाइड्रोलाजन दे सकते हैं, मिथाइल डोपा दे सकते हैं, डाइहाइड्रोपिरिडिन CC20 यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, प्राजोसिन क्लोनिडिन आप दे सकते हैं। कौन सी नहीं देनी चाहिए, तो ACE इनहिबिटर्स, ARBs नहीं देनी चाहिए, डायरेटिक्स नहीं देनी चाहिए, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं देनी चाहिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नहीं देनी चाहिए,
क्यों नहीं देनी चाहिए, भाई फीटल डैमेज कर देंगी, ग्रोथ का रिटार्डेशन कर देंगी, फीटल वेस्टेज को ये बढ़ा देती हैं, प्लेसेंटा में इन्फेक्शन कॉज कर देती है, मिसकैरेज कॉज कर सकती है, स्टिल बर्थ कॉज कर देती हैं, लो बर्थ वेट बेबी पैदा होता है, प्लेसेंटा का साइज कम कर देती है, नियोनेट्स में ब्रैडीकार्डिया, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देती है, इक्लैम्सिया के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वगैरह इसमें लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का है उसका ये चार्ट फॉर्म में इसको बताया गया है, यूजुअल और अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं, एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन जो अभी तक हमने पढ़े वो ऐसे रे डायग्राम की फॉर्म में, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अच्छा लग जाता है अगर अपन एग्जाम में लिखते हैं तो, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस गए बताए गए हैं, हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशंस में ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, विजन लॉस, हार्ट अटैक, बोन लॉस, ब्लड वेसल डैमेज, किडनी फेलियर हो सकता है, जो हम जानते भी हैं। बस इसके बाद आपका ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो काफ़ी लंबी मैंने पढ़ा दी है वो आपकी यहाँ ख़त्म हो गई है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं।